हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिहारीज किचन। आज हम बना रहे हैं अदरक लहसुन मिर्च का अचार, जिसको मैंने धो के मैंने सुखा लिया है। लहसुन को मैंने अच्छी तरह से छील लिया है। इसको एक दिन धूप में मैंने अच्छी तरह से सुखाया, ताकि पानी नहीं रहना चाहिए। और तीनों के रेसिपी सेम ही है, जितना मैंने अदरक लिया है उतना ही मिर्च है, उतना ही लहसुन भी है। तो आप कम बेसी कर सकते हैं, इसमें आप लहसुन कम कर सकते हैं, मिर्च बढ़ा सकते हैं। तो मैंने कुछ थोड़ा सा निकाल लिया, ताकि उसको मैं मोटे मोटे आकार में काटूंगी और इसको मैं बारीक कर लूंगी। तो मैं जो साइड कर ली हूँ उसको बड़े बड़े टुकड़ों में काट लूंगी, और ये जो छोटे हैं इसको मैं चॉपर में चॉप कर लूंगी। बाकी सारे चीज़ को मैं थोड़ा थोड़ा करके चॉप कर लेना। आपको जैसा चॉप करना है, आपको मोटे अगर मोटा में करना है तो आप मोटा में करिए, अगर बारीक करना है तो बारीक करिए। क्योंकि गलने के बाद, ये पकने के बाद जब धूप में आप रखिएगा नमक डाल के, वो धीरे धीरे गलने लगता है, तो उसका क्वांटिटी ऐसे ही कम हो जाता है। तो थोड़ा मैं ही, जिसको किसी को दानेदार वाला अच्छा लगता है तो अपना मोटा रख सकते हैं। तो मैं इतना ही मोटा रखूँगी, ताकि गल करके थोड़ा कम हो जाए। और कुछ लहसुन मैं गोटा ही डालूँगी। तो देखिए, मैं लहसुन गोटा उसमें डाल दी हूँ, और देखिए मिर्च भी होगी। इसी तरह हम लोग अदरक को भी ऐसे ही कर लेंगे। ये सब चीज़ चॉप हो चुका है, अब हम लोग सबको एक चीज़ में मिला देंगे। अब हम लोग इसमें धीरे करके मसाला डालेंगे। इसमें हम लोग ज़्यादा मसाला नहीं डालेंगे, क्योंकि इसका जो अदरक लहसुन का जो टेस्ट है ना, वो नहीं आ पाएगा। फिर देखिए, ये मैंने अदरक को मैंने ऐसे लंबे लंबे आकार में काट लिया है, ये जाएगा तो मुँह में बहुत अच्छा टेस्ट लगता है। तो इसमें मसाला हम लोग बहुत कम ही डालेंगे, इतना डालेंगे क्योंकि अदरक लहसुन मिर्च का भी टेस्ट आना चाहिए। तो ये मैंने आमचूर पाउडर डाला है, जितना मेरा लहसुन अदरक मिर्च उसके अनुसार ही मैं मसाला डाल रही हूँ। और एक चम्मच ये हल्दी पाउडर है, ये लाल मिर्च है जो कश्मीरी वाला है, तीखा के लिए तो मिर्च है, इसे कलर भी बहुत अच्छा आएगा। ये नमक है, नमक अचार में थोड़ा सा ज़्यादा ही पड़ता है, तब वो अच्छा लगता है। उसमें हम लोग थोड़ा सा और तेल डाल देंगे, सबको मिलाएंगे। अगर तेल का भी ज़रूरत पड़ेगा तो भी और डालेंगे। उसके बाद हम लोग अजवाइन मंगरेल होता है उसको हम लोग डाल देंगे, और थोड़ा सा और तेल डालेंगे, तेल कम पड़ रहा है। उसको हम लोग अच्छी तरह से मिला लेंगे, और इसको इसमें विनीगर भी डालेंगे, ताकि विनीगर से इसका टेस्ट और भी अच्छा होता है, जल्दी ख़राब नहीं होगा अचार। देखिए, मैंने इसमें 1.5 चम्मच के करीब मैंने विनीगर डाल दिया है। इसको हम लोग अच्छी तरह से मिला करके इसको 3-4 दिन हम लोग अच्छी तरह से धूप में रखेंगे, और उसके बाद हम लोग का अचार बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। इसको डब्बे में स्टोर करिए, और आप महीनों तक खा सकते हैं। जो मेरे लोग चैनल नए देख रहे हैं, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मेरे चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।